दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का नया अपडेट, क्या कट ऑफ रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम मिलने वाले हैं। और कट ऑफ सेशनल और दोबारा डिवीजन 2018 की वैकेंसी का दोबारा डिवीजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। नया पैनल निकाला है, कितनी कट ऑफ गई है, री मेडिकल कब है, पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की ओर से नया अपडेट आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है, पूरा अपडेट आपको देखने के लिए। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2022 का अपडेट है। यानी दोस्तों, आज का अपडेट है 7 जनवरी, यहाँ पर देख सकते हैं 7 जनवरी 2022 का अपडेट है यहाँ पर आप सभी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्रीय रोजगार सूचकांक 2018 की भर्ती का दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग, ये अगर आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग नहीं हैं तो उनके लिए यहाँ पर शारीरिक दस्तावेज के लिए दोस्तों विकलांग की पोस्ट एक है, जिनका रोल नंबर आपके सामने दे रखा है। इसके अंदर ये स्पष्ट दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपके बायोडाटा है। देखिए, फिजिकली के लिए कब बुलाया गया, पूरा नियंत्रण। अब जो नया परीक्षण, जो नया पैनल रखा गया है, उनकी भर्ती यानी वेटिंग लिस्ट निकली है, तो केवल 7 पदों के लिए वैकेटिंग निकली है। और ये जो आपकी कट ऑफ है, यहाँ पर कट ऑफ रही है पीएच की 52 पॉइंट रही है, ओबीसी की 73 और एससी की है 65 रही है। उपयुक्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के बुलाने का अर्थ नहीं है, पैनल रखा गया और केवल नियुक्ति का आदेश दे रखा है। दोस्तों, इन्होंने ये भी दे रखा है कि दस्तावेज जांच कर चिकित्सा जांच के लिए 24 जनवरी 2022 ई कॉल लेटर दर्शा दिया जाएगा, जिसके अंदर रेलवे की वेबसाइट के ऊपर आपको जयपुर आना पड़ेगा। कॉल लेटर की अवधि यश उचित कारण होने पर 25 दो, यानी अगर आप 24 जनवरी या 25 जनवरी को यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसमें यह भी दे रखा है दोस्तों, उपरोक्त सूचना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन नियत तिथि की आवश्यक रेलवे भर्ती पावर हाउस में उपस्थित जयपुर में उपस्थित होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। अब क्या क्या आवेदन चाहिए दोस्तों, आवेदन है मूल दस्तावेज सहित 2-2 प्रतिलिपि, 2-2 फोटोकॉपी, जन्म प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, पुराने आवेदन के समय सरकार के द्वारा नया प्रारूप ओबीसी यश लिखित परीक्षा में बुलाए, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ और दस्तावेज, और उसके साथ में पेन ड्राइव में बुलाए जो आपको दर्शाए गए हैं वो लेके आपको कहाँ पर बुझाना है, रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर कार्यालय के अंदर पहुँचना है। इसमें नोट में दे रखे हैं, कृपया दस्तावेज सत्यापन उपस्थिति से पहले भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन यानी आपको वैक्सीन लगानी जरूरी है और बिना मास्क प्रवेश निषेध माना गया है। तो रेलवे का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। अगर आपके भाई या बहन किसी का है तो आप कमेंट बॉक्स में करें और उन्हें जरूर बताएं। नई वीडियो और रेलवे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।